नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। बात करते हैं हम प्रदेश के अहम मुद्दों की और आज बात प्रदेश के उस अहम मुद्दे की जो सियासत से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल दौरे से। तो आप सोचेंगे कि इस भोपाल दौरे में ऐसा क्या खास है, संघ प्रमुख आते हैं, मध्य प्रदेश आते रहते हैं, तो इस बार आने के मायने क्या है और संघ प्रमुख का भोपाल आना क्या कुछ कह जाता है, ये मैं आपको बताऊँगा और समझाने की कोशिश भी करूँगा। दरअसल इस बात को पहले आप सुनिए कि 2 महीने में तीसरी बार आ रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल। 2 महीने में तीसरी बार आ रहे हैं संघ प्रमुख, इसके मायने बड़े हो जाते हैं। 2 महीने में तीसरी बार दौरा कर रहे हैं। चलिए भोपाल का कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, भोपाल में क्या कार्यक्रम होगा। उनके साथ सरकारवाह भैयाजी जोशी भी मौजूद है। तो इस दौरान ये बात निकल कर सामने आई कि वो राम मंदिर निर्माण को लेकर, संघ से जुड़े मसले को लेकर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे बीजेपी पदाधिकारियों से भी। अब बात आती है कि ये दौरा किस लिहाज से अहम हो जाता है। ये अहम इसलिए हो जाता है कि इस बातचीत में उपचुनाव भी तो आ रहा है। उपचुनाव को भी जरा समझिए ना, उपचुनाव को हम अगर टटोलने की कोशिश करें तो बीजेपी की क्या स्थिति है, बीजेपी के अंदर जो चल रहा है, संघ उसका आकलन कैसे करेगा और मोहन भागवत का ये दौरा भोपाल में किस तरीके से, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के साथ भी बैठक करेंगे, ये भी आपको बता दूं, बीजेपी के पदाधिकारियों का मैंने आपको बताया बैठक करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर इस बैठक के मायने इसलिए बड़े हो जाते हैं कि उपचुनाव का फीडबैक और उपचुनाव को लेकर किस रणनीति के साथ बीजेपी बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि आप कहेंगे कि नहीं, ये बात तो निकल के आती है कि संघ की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि नहीं, हमारा कोई दखल नहीं है, ना टिकट वितरण में संघ का कोई दखल होता है, ना संघ का कोई प्रभाव होता है। इस तरीके से कि नहीं, बीजेपी की अपनी चीज़ें हैं, ये बात कही जाती रहती है और सियासत में निकलती नहीं, संघ का कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता क्या है आप जानते हैं और ये आपको पता भी होगा कि संघ का प्रभाव कितना रहता है बीजेपी पर। और सियासी जानकार ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम बड़े सियासी जानकार भी यही कहते हैं कि ये दौरा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि संघ के पास आया हुआ फीडबैक बहुत कुछ आकलन कर देता है। और उपचुनाव को लेकर एक फीडबैक जो आ रहा है, क्योंकि ये 28 सीटों का उपचुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रतिष्ठा का प्रश्न तो ठीक है ही, सत्ता में क्या होगा, सत्ता की दशा उदशा तय हो जाएगी इस उपचुनाव के बाद में। और ये 3 दौरे जो हैं, इनको भी जल्दी समझा देता हूँ आपको, कब कब हुए थे आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए। 20 जुलाई को आए थे मोहन भागवत, 5 दिन रुके थे केरवा डैम के पास जो शारदा विहार है वहाँ पर। वहाँ तमाम मंत्री पहुँचे थे, मुख्यमंत्री पहुँचे थे खुद, और बैठक चली थी, मंथन हुआ था। मंथन तब भी हुआ था जुलाई में, जुलाई के बाद अगस्त में फिर आए मोहन भागवत और भोपाल में 3 दिन रुके। इस दौरान अब आप कहेंगे कांग्रेस की एंट्री जरूर हो जाती है कि कांग्रेस इस चीज़ पर अपनी टिप्पणी रख देती है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा था कि संघ प्रमुख का भोपाल में स्वागत है, अगर आए हैं तो अपने गुप्तचरों से ये फीडबैक जरूर ले लें कि मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के, वो भ्रष्टाचार में कैसे लिप्त हैं या उनका आचरण क्या है। तो इस तरीके से दिग्विजय सिंह ने एक तंज भी कस दिया था ट्विटर पर अपने माध्यम से। तो कांग्रेस भी पैनी नजर रखती है संघ प्रमुख के दौरे को लेकर। लेकिन चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये दौरा दूसरे मतलब 2 माह में तीसरी बार हो रहा है, तो इसके मायने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और चुनाव की तरफ मुड़ जाते हैं। तो अब देखना ये होगा इस फीडबैक में क्या निकलेगा, क्योंकि कांग्रेस का तो आपको पता है, तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं इस उपचुनाव के मौसम में कि भैया आरएसएस के सर्वे ने बता दिया है बीजेपी को कि हाल जो है वो ठीक नहीं। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं बार बार कि आरएसएस का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी की हालत जो है वो ठीक नहीं है मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर। लेकिन चूंकि संघ प्रमुख आए हैं, मंथन करेंगे और इस मंथन से वाकई में क्या ये स्थिति निकलकर सामने आएगी, बीजेपी में जो मौजूदा दौर में चल रहा है उसके साथ बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी उपचुनाव में, कैसे बीजेपी उपचुनाव में पताका फहरा पाएगी, ये तमाम चीज़ें अहम हो जाती है अगर सियासत के मायने आप समझेंगे। और ये दौरा जो है जब हो रहा है तो इस दौरे से बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही साथ संघ प्रमुख का ये दौरा क्या बीजेपी को रणनीति बदलने पर मजबूर करेगा, बीजेपी को अंदर जो कुछ चल रहा है उसको बदलना पड़ेगा। साथ ही साथ अब बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ेगी इस दौरे के बाद, जो मंथन से निकलेगा, जो राय मशवरा या संघ प्रमुख का दिशा निर्देश होगा, उसके बाद बीजेपी की रणनीति जरूर आपको चुनाव में बदलने मिलेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ, जितना सियासी जानकार बताते हैं तो उस पर भी हम लोग नज़र रखेंगे। तो ऐसे तमाम अहम मुद्दों से जुड़ने के लिए आप ज़रूर देखते रहें एमपी तक।